2019 में Redmi Y सीरीज के अंदर एक नया स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस करने वाला है जो कि होने वाला है Redmi Y3 एंड ये बेसिकली एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन होगा। तो इस स्मार्टफोन में आपको जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा वो बहुत ज्यादा इंप्रूव आपको देखने को मिलेगा एंड उसके साथ बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा एंड ये जो कैमरा होने वाला है वो भी बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है एज कम्पेयर टू Redmi नोट 7। उसके साथ आपको डिस्प्ले भी थोड़ा सा बिगड़ देखने को मिलेगा एंड बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन जो होगा बहुत ज्यादा प्रीमियम लेवल का होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Redmi Y3 के डिजाइन के बारे में, प्राइस के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में एंड इसके अप्रोक्सीमेटली लॉन्चिंग डेट के बारे में। सो हे फोक्स, दिस इज शॉयन एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करो स्मार्टफोन का डिजाइन के बारे में। तो इस स्मार्टफोन का जो डिजाइन होगा बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लेवल का होने वाला है। बैक साइड में आपको ग्लास फिनिश देखने को मिलेगा एंड डुअल टोन कलर ऑप्शन में स्मार्टफोन लॉन्च होगा। उसके साथ बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड डुअल टोन LED फ्लैश देखने को मिलेगा एंड रियर माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा एंड नीचे की तरफ आपको Redmi का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा जहां पर लिखा होगा Redmi बाय Xiaomi। तो Redmi बेसिकली Xiaomi का सब ब्रांड हो गया है। तो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है स्मार्टफोन। फ्रंट साइड की बात करो तो फ्रंट साइड में जो नॉच देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा, यानी कि आपको स्मार्टफोन में कोई भी वाटर डॉप टाइप टाइन लिटिल नॉच सेटअप देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि फ्रंट साइड में आपको जो कैमरा देखने को मिलेगा वो होने वाला है डुअल कैमरा सेटअप एंड डुअल टोन आपको LED फ्लैश फ्रंट में देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है। सेल्फी कैमरा के हिसाब से स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा बेटर होने वाला है एंड उसके साथ जो नीचे के साइड में बेजल चेन होगा वो भी बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेगा। तो बात करो स्मार्टफोन का डिस्प्ले के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा 6.4 इंच फुल HD प्लस IPS LCD पैनल जिसके अंदर आपको कलर रिप्रोडक्शन, कलर सेचुरेशन बहुत ही ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा एंड ब्लैक का रिप्रोडक्शन भी बहुत ही ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा इस डिस्प्ले के अंदर। एस्पेक्ट रेशियो की बात करो तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 19.5:9 के एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि आपको H2S डिस्प्ले स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। रेजोल्यूशन की बात करो तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 1080x2340 पिक्सल। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगा एंड पिक्सल डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा 409 का PPI पिक्सल डेंसिटी। तो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने वाला है Redmi Y3 का डिस्प्ले। तो इस डिस्प्ले में आप बहुत ही आराम से गेम को एंजॉय कर पाओगे एंड बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस आप गेम का ले पाओगे एंड उसके साथ जो वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस होगा वो भी बहुत ही ज्यादा मस्त देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। तो प्रोसेसर की बात करो तो Redmi Y3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 710 का प्रोसेसर जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है जिसके अंदर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा एंड उसके साथ आपको ब्राउजिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। कोई भी आपको लैग, कोई भी आपको हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा एंड GPU की बात करो तो आपको देखने को मिलेगा Adreno 660 का GPU एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा 2.2 GHz का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। तो किसी भी काम को बहुत ही आराम से कर पाओगे, कोई भी लैग, कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। इवन PUBG या Asphalt 9 खेलने के टाइम कोई भी आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। तो अब इस फुल व्यू डिस्प्ले में गेम को बहुत ही आराम से इंजॉय कर पाओगे, यानी कि बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस आप इस स्मार्टफोन में ले पाओगे एंड उसके साथ ये स्मार्टफोन होगा 3 RAM वेरियंट के साथ लॉन्च होगा। यहाँ पर जो बेस वेरियंट होने वाले 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज का बेस वेरियंट, 6GB RAM 128GB का एक और स्टोरेज वेरियंट देखने को मिलेगा एंड 8GB RAM 256GB का एक टॉप वेरियंट आपको देखने को मिलेगा एंड इंटरनल स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो भाई माइक्रो एसडी कार्ड अप टू 512GB तक। तो अब बात करें स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में जो कि है स्मार्टफोन का मेन हाइलाइटिंग फीचर। तो बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा जो कि आपको सेमी देखने को मिलेगा, सेमी सेंसर देखने को मिलेगा Redmi Note 7 जैसा। 12 मेगापिक्सल का आपको सेकेंडरी सेंसर देखने को मिलेगा एंड 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो कैमरा कॉन्फ़िगरेशन होगा बैक साइड में वो भी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट देखने को मिलेगा एंड पोर्ट्रेट मोड, AI ब्यूटिफिकेशन मोड सभी कुछ फीचर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा एंड उसके साथ आपको OIS फीचर भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपको बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा इस कैमरा में एंड बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर भी देखने को मिलेगा जैसे कि AI पोर्ट्रेट मोड हो गया, AI जूमिंग इफेक्ट हो गया, सारा कुछ यार स्टिकर वगैरह सभी कुछ देखने को मिलेगा कैमरा एप्लीकेशन में। तो अब बात करूँ Redmi Y3 के फ्रंट कैमरा के बारे में। तो फ्रंट में आपको नॉच के अंदर देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर जो कि बेसिकली डिपेंड करेगा डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने वाला है एंड 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलेगा फ्रंट में। तो बहुत ही आराम से आप बोके इफेक्ट, पोर्ट्रेट मोड कैप्चर कर पाओगे, कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा एंड फ्रंट कैमरा में आपको AI ब्यूटिफिकेशन मोड देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर देगा इस कैमरा क्वालिटी को एंड MIUI 10 में जो कैमरा का सॉफ्टवेयर होता है बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है। तो यहाँ पर भी
थोड़ा बहुत कैमरा क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 9.0, यानी कि यह स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन से रन करेगा, जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी पैच भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का देखने को मिलेगा। एंड कस्टमर की बात करूँ तो आप सभी लोग जानते होंगे इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा MIUI 10, जो कि बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बेटर एक कस्टम ये है, जिसके अंदर आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा एंड स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। तो आप बात करें स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो इस स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा 5000 mAh का एक ह्यूज बैटरी एंड उसके साथ आपको क्वालकॉम फास्ट चार्जिंग फीचर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो 0-100% चार्ज आप बहुत ही आराम से कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा बैटरी को चार्ज करने के टाइम। तो आप बात करो फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होने वाला है एंड बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट भी होने वाला है। एंड फेस अनलॉक की बात करो तो इस स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड हार्डवेयर देखने को मिलेगा फेस अनलॉक के टाइम, तो इस स्मार्टफोन में आपको इंफ्रारेड फेस अनलॉक फीचर भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर होने वाला है पोको के जैसा। तो बहुत ही मस्त सिक्योरिटी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो आप बात करो स्मार्टफोन का प्राइस एंड लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के जो प्राइस होने वाला है आपको देखने को मिलेगा अप्रॉक्सिमेटली 20,000 के अंदर। एंड लॉन्चिंग डेट की बात करूँ तो अभी तक कोई भी कॉन्फर्म न्यूज नहीं है स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा, बट मुझे लगता है स्मार्टफोन मार्च या फरवरी के अंदर देखने को मिलेगा। तो यही है कुछ लीक्स एंड रूमर्स रेडमी Y3 के बारे में। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। आपने इस चैनल पे पहली बार आए तो जाकर सब्सक्राइब मारना और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। एंड उससे पहले आपने मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो करो, लिंक आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो सेव गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।